कुल मिलाकर इस वीडियो का निचोड़ यह है कि सचिन पायलट ने आला कमान से साफ साफ कह दिया है कि वो नई पार्टी बनाने के मूड में कतई नहीं है। वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते। सचिन पायलट ने ये भी कह दिया है कि उनका कोई समर्थक विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सचिन पायलट ने इसके साथ साथ कुछ सम्मानजनक पद की उम्मीद की। तो क्या समझौता होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में? क्या राहुल गांधी को वीटो का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसकी हम विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मैं घर की छत पे हूं, मौसम खराब हो रहा है, पर्दे बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं और यही पर्दा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी पड़ा हुआ है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो सचिन पायलट की तरफ से भी जो पर्दादारी थी वो कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। 26 मई को बैठक होनी है, इसमें हर हाल में सचिन पायलट शामिल होंगे, उनके कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में 15 से लेकर 20 लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। कम से कम 12-13-14 लोग तो हर हालत में होंगे, जिसमें राहुल गांधी खास तौर से होंगे। राहुल गांधी अभी शिमला में हैं, लेकिन वो इस बैठक में मौजूद होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, राजस्थान के प्रभारी रंधावा होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा होंगे, और इसके अलावा 3 सह प्रभारी हैं वो होंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी बुलाया जा रहा है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार के कुछ मंत्री हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के। और सबसे बड़ी बात है, इसमें एक नाम मैं भूल गया, सचिन पायलट होंगे और होंगे। अब कहानी ये है कि आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर सचिन पायलट ने आला कमान के सामने क्या स्पष्ट किया है और किन शर्तों पर कुछ समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले देखिए सचिन पायलट गुट की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री तो खैर नहीं बनाया जा सकता, तो प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए, पहली मांग उनकी है। राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को दिल्ली आ जाना चाहिए, महासचिव बन जाना चाहिए, 2-3 बड़े राज्यों की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और दिसंबर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद फिर उनकी नई सिरे से भूमिका राजस्थान के संदर्भ में तय की जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट ने राजस्थान छोड़ने से इनकार कर दिया है। वो जानते हैं कि अशोक गहलोत, थोड़ी सी भी जगह मिली अशोक गहलोत को तो अशोक गहलोत उनके लिए वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर सकते हैं, ऐसा उनको आशंका है। फिर सचिन पायलट ने ये भी कहा है, बताया है कि उनके खेमे की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि आला कमान से कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आती है। इस बात का स्पष्ट 100% आश्वासन आला कमान को देना चाहिए और कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं है कांग्रेस छोड़ने का, उनका कोई इरादा नहीं है अपनी अलग पार्टी बनाने का। वो पार्टी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं और इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं कि वो 3 मांगे भी अपनी छोड़ देंगे अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का आश्वासन, भरोसा आला कमान की तरफ से दिया गया। अब अशोक गहलोत गुट की बात करते हैं। अशोक गहलोत गुट तो पूरा केस ही इस आधार पर लड़ रहा है कि सचिन पायलट बगावत पर उतरे हुए हैं, वो पार्टी के खिलाफ जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, उनके मंच पर विधायक आ रहे हैं, उनके मंच पर मंत्री आ रहे हैं और मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टतम सरकार बताया जा रहा है और सचिन पायलट खामोश हैं, चुप भी नहीं करा रहे, यानी कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं अपने हिसाब से। ये बात अशोक गहलोत गुट की तरफ से साफ कर दी गई है। अशोक गहलोत गुट चाहता है कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई सचिन पायलट पर हो और अशोक गहलोत गुट ये भी चाहता है कि सचिन पायलट के हिस्से कुछ नहीं आए और परिस्थितियाँ कुल मिलाकर ऐसी पैदा कर दी जाएँ कि सचिन पायलट को अंततः कांग्रेस छोड़ कर जाना पड़े और फिर उसके बाद वो भले ही अपनी पार्टी बनाते हैं या नहीं।
देखिए मैं ये वीडियो बना रहा था, इतनी तेज हवा चली कि ये मेरा जो मोबाइल फोन है जो स्टैंड पर है बकायदा वो नहीं हिल रहा। तो क्या ऐसा भूकंप आने वाला है, सियासी भूकंप आने वाला है 26 मई की बैठक में, या फिर चीज़ें साफ होने वाली हैं, ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा। अशोक गहलोत गुट का ये भी कहना है कि अगर सचिन पायलट की बात मान ली गई और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो फिर अशोक गहलोत की 5 साल की सारी मिट्टी मेहनत में मिल जाएगी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, माफ़ कीजिएगा। फिर अशोक गहलोत के नाम पर, उनकी योजनाओं के नाम पर, उनके श्रम के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ऐसे में तो कांग्रेस पहले से ही हार मान ले जाएगी, अशोक गहलोत का राजनीतिक वजूद क्या रह जाएगा, ये बात कही जा रही है। सचिन पायलट गुट का कहना है भाई 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, अब और क्या करोगे। अशोक गहलोत गुट का कहना है कि ये जाट प्रदेश अध्यक्ष है इस समय, और अशोक गहलोत गुट चाह रहा है कि जाट जैसे बड़े वर्ग को नाराज बिल्कुल नहीं किया जाए, उनको खुश करने की कोशिश की जाए, उल्टा जाट उप मुख्यमंत्री हो जाए या अंदर खाने, इस तरह की बात कही जा रही है कि किसी जाट को मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में। ये कहानी इसलिए गढ़ी जा रही है ताकि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अड़े नहीं, और अड़े भी तो उनके हिस्से में ये पद आए नहीं, ताकि राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, प्रभावशाली जात के समीकरण को इस रूप में सामने रखा जा सके। तो कुल मिलाकर शॉर्ट एंड स्वीट मैंने अपनी बात कह दी, निचोड़ यही है कि बैठक में सचिन पायलट आ रहे हैं, 10-15 लोग होंगे जिसमें राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, रंधावा होंगे और दूसरे नेता होंगे जिनका मैंने नाम लिया, और इस पर खुलकर चर्चा होगी क्योंकि माना जा रहा है कि इसके बाद फिर चर्चा इतना समय नहीं मिल पाएगा और इतने गौर से, इतनी गहराई से बात भी नहीं हो पाएगी, और फिर राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे, फिर अल्टीमेटम, यहाँ अल्टीमेटम जैसी 30-31 मई वाला जो अल्टीमेटम है इसको ख़त्म कर देना चाहता है आलाकमान, कि अल्टीमेटम एक तरह से सचिन पायलट वापस ले लें। अशोक गहलोत इसी अल्टीमेटम को आधार बनाकर सचिन पायलट की पार्टी से निकासी चाहता है, अशोक गहलोत का गुट ये पार्टी से निकासी चाहता है, तो इसलिए ये राजनीति की बिसात पर शाय और मात का खेल होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 15 लोग जो जुटेंगे उसमें अशोक गहलोत लॉबिंग कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ज़्यादा लोग हों, ताकि अगर वहीं के वहीं बैठे बैठे मान लीजिए वोटिंग जैसी स्थिति आए, मान लीजिए राहुल गांधी के चलो इस बात से कितने सहमत हैं हाथ उठाए, तो उसमें भी वो बाजी मार ले जाएं जिस मामले में वो विधायकों के साथ हमेशा बाजी मारते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, इंतज़ार करते हैं परसों का, 26 मई का, कि होता क्या है। सचिन पायलट खेमे ने पत्ते थोड़े से खोले हैं, लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा अशोक गहलोत कहते रहे हैं। तो सचिन पायलट के मन में असल में क्या चल रहा है, इसकी था आज भी हम नहीं ले सकते। इसी तरह अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है, इसकी था भी नहीं ली जा सकती। कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए उनके राजनीतिक करियर की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर कहा जाता है कि थोड़ी सी अशोक गहलोत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन वो सचिन पायलट को इग्नोर भी नहीं करना चाहते, वो सचिन पायलट में राजस्थान का भविष्य भी देख रहे हैं। तो ये कहानी यहाँ जाकर भी उलझती हुई या फिर यहीं से सुलझती हुई भी प्रतीत होती है। अब सिरा कहाँ से आप पकड़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। Vidrohi7 मेरा ट्विटर हैंडल है, Vijay Vidrohi7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर हूँ Vijay Vidrohi पेज के नाम से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।